गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल। क्लास टू सब्जेक्ट SST। टूडे वी रीड अबाउट चैप्टर टू, वी नीड वाटर। पीपुल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू लिव। मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों को पानी की आवश्यकता जिंदा रहने के लिए होती है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर। पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मैनी यूजेज ऑफ वाटर। पानी का उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं। ड्रिंकिंग, पीने के लिए। क्लीनिंग ए पेंट ब्रश, ब्रश को धोने के लिए। कुकिंग, खाना पकाने के लिए। बाथिंग, नहाने के लिए। वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े को धोने के लिए। नेक्स्ट वन इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। अब हमें पानी की प्राप्ति कहाँ से होती है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वर्षा पानी का मुख्य स्रोत है। वाटर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन। धरती को बारिश के द्वारा ही पानी की प्राप्ति होती है। रेन वाटर कॉलेक्ट्स इन पॉन्ड्स, लैक, स्ट्रीम्स, रिवर, सी एंड ओशियन। बारिश का पानी ही तालाब, झरनों, नदियों, समुद्र और महासागर में जमा होता है। फर्स्ट वन इज रिवर। द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स इन समर। गर्मी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलता है। दिस वाटर फ्लो डाउन एज ए स्ट्रीम। और वही पानी झरनों के द्वारा नीचे गिरता है। मैनी स्ट्रीम्स ज्वाइन टू फ्रॉम ए रिवर। और अनेक झरना मिलकर नदियाँ का निर्माण करता है। सेकेंड वन इज सी एंड ओशियन। ए सी इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। पानी के एक बड़े भाग को हम सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं। मैनी रिवर्स फ्लो इन टू द सी। अनेक नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती है। बिग सी आर कॉल्ड ओशियन। और पानी के एक बहुत बड़े भाग को हम लोग महासागर कहते हैं, ओशियन। तो वाटर इन ए सी एंड ओशियन इज साल्टी। पानी जो होता है वो समुद्र और महासागर का बहुत ही खारा, नमकीन होता है। वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। वो पीने योग्य नहीं होता है। थर्ड वन इज वाटरफॉल। When waterfalls from a great height, a waterfall is from। अब waterfall क्या होता है, ऊंचाई से गिर जो पानी गिरता है उसे हम waterfall कहते हैं। Fourth one is well। Water is also found under the ground। अब धरती के अंदर भी पानी होता है। अब हम उस धरती के अंदर से पानी कैसे निकालते हैं। We dig wells to get this water। उसे हम खोद करके कुआं द्वारा पानी को निकालते हैं। सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक वाटर इन आवर होम्स। अब हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लैक एंड रिवर्स मे नॉट बी क्लीन। नदियाँ, तालाब और झरने का पानी साफ नहीं होता है। सो दिस वाटर इज क्लीन एंड देन सप्लाई टू आवर होम्स। उसी पानी को साफ करके हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। वी मस्ट बॉइल और फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब हमें पीने से पहले पानी को उबाल करके और फिल्टर छान करके ही पीना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक सेविंग वाटर। पानी की बचत कैसे करें। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। रीड हाउ दिस चिल्ड्रेन सेव वाटर। अब हमें पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। आओ बच्चों हम पढ़ें कि बच्चे पानी की बचत कैसे करें। आई टेक ओनली मच वाटर एज आई कैन ड्रिंक। अब हमें पानी की से अधिक मात्रा पीने के लिए लेना चाहिए। आई टर्न ऑफ द टैप विल आई ब्रश माई टीथ। ब्रश करते समय अपने नल को खोल करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा बंद कर देना चाहिए ज़रूरत के बाद। आई टेक ए शॉर्ट बाथ। अब हमें नहाते समय भी अधिक मात्रा में पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल।